नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूं कोर जावा ट्यूटोरियल का नाइन्थ एपिसोड और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल लॉजिक के बारे में कि कंडीशनल लॉजिक जो होते हैं वो क्या होते हैं जावा में यदि आप प्रोग्राम में कंडीशनल लॉजिक को जोड़ देते हैं तो प्रोग्राम का बिहेवियर जो है वो बदल जाता है और कितने टाइप के होते हैं वो आप लोगों के सामने हैं तो सीधी सी बात है प्रोग्राम में अगर कोई भी चीज़ की कंडीशन होगी तो उसका बिहेवियर जो है वो बदल जाएगा तो चार प्रकार के होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर है कंडीशनल असाइनमेंट है इफ़ स्टेटमेंट है और लॉजिकल ऑपरेटर है तो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे जो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन पैदा करते हों यहाँ पर ऑपरेंड जो है वो क्या है ए बी सी जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं वो या उनकी वैल्यूज़ जैसे कि फाइव है फोर है ये उनके ऑपरेंड है तो उनके बीच में रिलेशन पैदा करने का, का काम तीन रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट करेक्टर टाइप और बुलियन तो इसमें मैं जो है रिलेशनल ऑपरेटर बता रहा हूं ग्रेटर देन है ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस लेस देन देन है इक्वल टू है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू होता है करेक्ट टाइप में होता है लेकिन बुलियन में नहीं होता है तो अगर हम पांच से चार को uh, नापते हैं कि कौन सा बड़ा है तो ग्रेटर देन होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है ग्रेटर देन का सिंबल है और इक्वल टू का सिंबल है तो पांच इज ग्रेटर देन इक्वल टू पांच इक्वल टू होता है लेस देन का मतलब है कि चार जो है वो पांच से छोटा है तो बीच में जो ऑपरेटर लगा हुआ है जो सिंबल बना हुआ है वो है ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू है इक्वल टू है तो देखिए करेक्ट टाइप में भी होता है और यहाँ पर बुलियन में भी अब आप लोगों के पास इक्वल टू होता है सिमिलरली नॉट इक्वल टू भी आप लोगों के पास टाइप में भी होता है इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट में भी होता है करेक्टर टाइप में भी होता है तो ये इस प्रकार से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर आप लोगों के सामने इक्वल इक्वल टू टू नॉट लेस देन ग्रेटर अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या है एक प्रकार की कंडीशन होती है और उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट जो है वो कैसा होगा तो कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग इसे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू कंडीशन के रिजल्ट पर निर्भर करती है ठीक है तो इसे हम लोग बोलते हैं तो फर्स्ट वाला रिजल्ट और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड वाला रिजल्ट तो जो है वो रिजल्ट में आ जाता है ठीक है तो ट्रू uh, वैल्यू और फॉल्स वैल्यू जैसा कि इस पर लिखा गया है एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझ लेते हैं कि कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें क्या है वेल वन इक्व टू पांच है वेल टू इक्वीन है तो यहां पर देखिए वेल वन इज ग्रेटर में आ जाएगी यानी कि अब देखिए दूसरी कंडीशन है आप लोगों के पास में वेल वन वेल टू की वैल्यू है पच्चीस और चार रिजल्ट है वेल टू इज डबल इक्वल्स टू जीरो कंडीशन बिकम्स फॉल्स फॉल्स होगी तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा यानी वेल वन इज डिवाइडेड बाय वेल टू

मतलब इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है अगर ब्लॉक टाइप हो इफ तो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो इसमें देखिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा तो ये इफ स्टेटमेंट है देखिए यहां पर एग्जांपल से समझाया गया है कि वेल well वन की वैल्यू है वो दस है वेल well टू की वैल्यू जो है वो पांच है तो वेल वन यहां पर देखिए रिलेशनल ऑपरेटर लगाया गया है बीच में लेकिन इफ के अंदर है तो वेल वन इज ग्रेटर देन वेल टू कंडीशन बिकम्स ट्रू तो आंसर आ जाएगा कि इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अब बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट की एल्स स्टेटमेंट एक्चुअली में एक ऑप्शनल टाइप होता है आप लोग लगाना चाहते तो लगाइए नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है कल को तो आप लोग एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं ठीक है जैसे कि वेल वन इज लेस देन वेल वन इज लेस देन वेल टू तो यहां पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोग एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग जरूरत नहीं है एल्स स्टेटमेंट की तो आप लोग मत लगाइए एक ऑप्शनल है अब हम लोग बोलते हैं चैनिंग एल्स स्टेटमेंट यानी कि चैन बनाना है हम लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट की तो इफ कंडीशन लगाइए स्टेटमेंट लिखिए फिर से आप लोग एल्स लिखिए और उसमें भी आप लोग एल्स के बाद में इफ लिख सकते हैं उसमें आप लोग कंडीशन लगा सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है फिर आप लोग लिख सकते हैं लास्ट में आप लोग लिख अब बात करते हैं हम लोग पहले आया इफ उसके बाद में आया उसके बाद में आया चैनिंग इफेल्स इसमें अब आता है ब्लॉक स्टेटमेंट ब्लॉक स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो पूरा ब्लॉक ही छोड़ देगा वो तो ये ब्लॉक स्टेटमेंट लगाते क्यों है सपोज आप लोगों के पास ये कंडीशन है जो एग्जाम्पल में इफ़ वेल वन इज ग्रेटर देन वेल टू वेल वन की वैल्यू है दस और वेल well टू की वैल्यू है टू तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिफरेंस भी कैलकुलेट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड लाइन डिफरेंस भी दिखाएगा और ये आउटपुट भी आप लोगों के पास आ जाएगा वेल वन इज़ पीकर आ जाएगा इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन सपोज कंडीशन फॉल्स हो जाती है फ एल्स भी लगा रखा है लास्ट में एल्स इफ लगा रखा है सपोज कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन वेल टू इज ग्रेटर देन वेल वन वेल टू बड़ा नहीं है तो इस कंडीशन में क्या करेगा इस चीज को यह छोड़ देगा स्किप कर देगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है लेकिन बाद वाले दोनों स्टेटमेंट जो है वह एग्जीक्यूट होंगे और जैसे ही डिफरेंस के बारे में बात आएगी तो डिफरेंस में कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर आ जाएगा अर और वेल टू इज बिगर ये भी गलत है तो इस प्रकार आप लोग अगर जो वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हैं उसको भी आप लोगों को करवाना चाहिएगा इसीलिए आप लोग ब्लॉक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करते हैं ताकि नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएं और अगर फॉल्स है कंडीशन तो वो पूरा ब्लॉक ही स्किप कर दें यदि आप किसी भी वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे अब स्कोप ऑफ वेरिएबल और है कि अगर ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर uh, है तो वो ब्लॉक के बाहर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता यानी कि बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जैसे यहाँ पर वेल वन वेल टू की वैल्यू तो बाहर है ब्लॉक के अंदर uh, इनिशियलाइजेशन लेकिन देखिए डिफरेंस को यहाँ पर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर uh, किया गया है या इनिशियलाइज किया गया है तो डिफरेंस जैसे ही ब्लॉक खत्म हुआ ये करली ब्रेसेस जो है ना uh, आप लोगों के मंजिले ब्रैकेट्स इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक तो अगर ब्लॉक के अंदर डिफरेंस को डिक्लेयर किया गया इंटीजर डिफरेंस तो ब्लॉक के बाहर जो है वो डिफरेंस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है एक्सेस नहीं किया जा सकता यहां पर एरर आ जाएगा अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की हम लोगों ने इफेल्स स्टेटमेंट भी पढ़ लिया ब्लॉक इफेल्स स्टेटमेंट भी पढ़ लिया है अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पर बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं तीन प्रकार के यहां पर देखिए ये सबसे पहले एंड ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर है लॉजिकली है यदि सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा एंड ऑपरेटर के अंदर यही होता है कि सारी कंडीशन ट्रू होने पर ही रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा और हम लोग ये इफ में लगाने वाले हैं तो इफ में देखिए वेल वन वेल टू की वैल्यू ट्रू है वेल टू इज लेस देन वेल थ्री है तो well well कंडीशन well well तो ये भी सही है तो आंसर में आ जाएगा ट्रू दोनों कंडीशन जो है ट्रू है बीच में आप लोगों ने एंड लगा दिया लॉजिकल एंड तो आंसर ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन यहां पर ट्रू है अब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा अब देखिए यहां पर वेल वन इज ग्रेटर देन वेल कंडीशन बिकम्स ट्रू वेल टू इज ग्रेटर देन वेल कंडीशन बिकम्स फॉल्स तो एक कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गई वहां पर कंडीशनल एंड का रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा अब हम लोग देखिए सेकेंड uh, जो कंडीशन है वो है और ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों के पास है और ऑपरेटर और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू होगा देखिए कंडीशन है वेल वन इज ग्रेटर देन वेल टू ट्रू वेल टू इज ग्रेटर देन वेल थ्री ट्रू सॉरी फॉल्स लेकिन यहां पर ट्रू रिजल्ट आएगा क्योंकि कंडीशन एक जो है वो ट्रू हो गई है ये आप लोगों ने और सीख लिया अब आता एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या होता है इसमें आप लोगों को एक कंडीशन फॉल्स होती है तो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा आप लोगों का लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो भी आंसर फॉल्स आएगा दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा।, तो uh, आएगा इसमें एक कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए तो दूसरी ट्रू होनी चाहिए यही इसका ट्रू का रिजल्ट आएगा आप लोगों को मैं दोबारा से बता देता हूं अगर यहां पर देखिए इस देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया गया ट्रू और फॉल्स का तो कंडीशन रिजल्ट आ गया ट्रू लेकिन सपोज दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा और दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो भी आंसर फॉल्स आएगा तो इसमें एक्सक्लूसिव और के अंदर एक तो होना चाहिए ट्रू और एक होना चाहिए फॉल्स तभी आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक्सक्लूसिव और उसका सिंबल जो है ये इस प्रकार का है निगेशन निगिएशन जो है एक प्रकार से इन्वर्ट करता है इन्वर्टर की तरह काम करता है अगर कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको जस्ट रिवर्स कर देगा जस्ट अपोजिट कर देगा बुलियन ऑपरेटर है अब बात करते हैं हम लोग कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर की पहले हम लोगों ने बात की थी लॉजिकल ऑपरेटर की। देखें यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर की कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और एक्सक्लूसिव और नेगेशन थे। इसमें आप लोगों के पास दो ही ऑपरेटर हैं कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और कंडीशनल एंड और सिंपल लॉजिकल एंड में क्या डिफरेंस है कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है देखिए कंडीशनल एंड के अंदर क्या है कि अगर कंडीशन एक ट्रू हो गई तो अगली वाली कंडीशन को चेक करेगा कि वो ट्रू है या नहीं है लेकिन कंडीशनल एक में भी एंड के अंदर एक भी फॉल्स हो गई तो आगे चेक नहीं करेगा वो और के अंदर क्या है और के अंदर अगर एक भी ट्रू हो गई तो आगे चेक नहीं करेगा अगर पहली वाली फॉल्स है तो वो आगे चेक करेगा तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है मैं बता देता हूं इस एंड और डबल एंड में क्या डिफरेंस है ये देखिए यहां पर इस एंड सिंगल वाले एंड के अंदर दोनों कंडीशन चेक करता है चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो कोई मतलब नहीं है और डबल एंड वाले में क्या करेगा अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो आगे चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि आंसर फॉल्स ही आना है एंड का तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर फॉल्स ही आना तो अगली वाली कंडीशन को वो चेक करने के लिए जाएगा ही नहीं तो प्रोग्राम में आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने जावा ने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं कंडीशनल एंड और कंडीशनल और ताकि वो नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ के लिए जाए ही नहीं चेक करने के लिए जाए नहीं और के अंदर भी यही है अगर आंसर में पह, एक ही कंडीशन ट्रू होना है तो वो नेक्स्ट को चेक करेगा ही क्यों तो इसीलिए यहाँ पर डबल और का भी इस्तेमाल किया गया है कंडीशनल और का भी कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई और के अंदर तो अगली वाली कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं अगर पहली वाली फॉल्स है तो नेक्स्ट के लिए जाएगा कि वो कहीं ट्रू uh, तो नहीं है नेक्स्ट कंडीशन तो देखिए कंडीशनल एंड के अंदर यदि पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करता है और कंडीशनल और के अंदर यदि पहली कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करता है क्योंकि ट्रू है उसको पता है कि एक ही ट्रू आनी चाहिए और के अंदर और फॉल्स एंड के अंदर अगर एक भी फॉल्स आ गई तो उसे पता है कि फॉल्स ही रिजल्ट करना है चलिए प्रोग्राम के द्वारा हम लोग चेक कर लेते हैं यहां पर देखिए एक सिंगल एंड का प्रयोग यहां पर किया गया है अगर सिंगल एंड यहां पर प्रयोग किया गया है, तो दोनों कंडीशन एक बार में चेक होंगी लेकिन अगर यहां पर डबल एंड का प्रयोग किया जाता तो यहां पर सिर्फ पहली वाली कंडीशन ही चेक की जाती नेक्स्ट कंडीशन पर वो जाएगा ही नहीं यहां पे देखिए वेल वन सॉरी वेल इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन यहां पर फॉल्स है लेकिन ये वेल वन और वेल टू वेल के लिए भी सेंड कंडीशन uh, के लिए भी जाएगा यहां पर क्यों क्योंकि सिंगल एंड है अब यहां पर बात आती है डबल वाले की कि इफ वेल जीरो कंडीशन बिकम्स फॉल्स यहां पर फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन के लिए जाएगा ही नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन के लिए अगर जाएगा नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन थैंक्स भी एग्जीक्यूट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सॉरी थैंक्स को छोड़ देगा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा डबल एंड वाले में लेकिन सिंगल एंड वाले में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि वेल वन की वैल्यू है पचास और वेल well टू की वैल्यू है जीरो तो डिवाइड बाई जीरो का यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा तो ये जो है सिंगल एंड के अंदर प्रॉब्लम है कि यहां पर डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ जाएगा लेकिन जैसे ही आप लोग डबल एंड लगा देते हो तो कंडीशन तो फॉल्स होनी है लेकिन यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट यहां पर हो जाएगा तो देखिए दोस्तों दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंडीशन फॉल्स ही है लेकिन पहले वाले में जाएगा दूसरे वाले में पहले वाले में देखिए सिंगल एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन चेक करेगा अगर दोनों कंडीशन उसने चेक कर ली तो डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन आ जाएगा तो ना तो थैंक्स एग्जीक्यूट होगा और ना ही प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ एग्जीक्यूट होगा लेकिन अगर आप लोगों ने इफ़ में अगर डबल एंड लगा रखा है तो वो वेल डिवाइड बाई वेल को चेक ही नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि वेल इज़ इज ग्रेटर देन जीरो जो है वो कंडीशन फॉल्स है इसीलिए वो दूसरी वाली कंडीशन पे जाएगा नहीं फॉल्स होने पे पहले स्टेटमेंट को छोड़ देगा और दूसरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ